थ्री थिंग्स टू लर्न फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। पहला, स्पीड। जितनी देर में आप एक रील खत्म करते हैं, मैकडॉनल्ड्स एक बर्गर बना चुका होता है। अपने स्पीडी सर्विस सिस्टम से इन्होंने फैक्ट्री की असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट को बर्गर बनाने में यूज किया। हर बंदे को सिर्फ एक टास्क दे दिया। एक बंदा पूरा दिन बन खोलता था, एक टिक्की फ्राई करता था, एक सॉस लगाया करता था। फूड को फास्ट फूड बनाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, एलिमिनेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 80-20 रूल के बारे में बात की थी और मैकडॉनल्ड्स ने इसको अप्लाई किया। 1940s में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने रियलाइज किया कि उनके मेन्यू में सिर्फ 3 आइटम्स, बर्गर, फ्राइज और शेक्स, उन्हें 80% सेल्स देते हैं। तो उन्होंने अपने मेन्यू में बाकी के सारे आइटम्स हटा दिए और इन 3 चीजों की क्वालिटी और एफिशिएंसी पर काम किया। Sometimes less is more. तीसरा, adaptability. McDonald's जिस भी कंट्री में जाता है, चाहे इंडिया हो, जापान हो या थाईलैंड हो, McDonald's वहाँ के लिए मेन्यू को लोकलाइज कर देता है। मैक आलू टिक्की, मैक स्पाइसी पनीर, महाराज मैक, ये सब एक्सक्लूसिव इंडिया मार्केट के लिए बनाया गया है। McDonald's तथा और भी ब्रांड्स के ऊपर कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए।